हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुभाष। स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल अपडेटेड टेक्नोलॉजी में। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न है, अप्रॉक्स 2-3 महीने हो चुके हैं मैंने वीडियो डाला नहीं, क्योंकि मैं बेहतरीन से बेहतरीन ऐप सीट के ऊपर वर्क कर रहा था और मतलब पब्लिक को रिजनेबल प्राइस में एम्प्लॉय मैनेजमेंट का एप्लीकेशन मिल सके, अटेंडेंस अच्छे से मैनेजमेंट कर सके, एडमिन परमिशन, स्टाफ फैसिलिटी, सैलरी, टास्क, इंक्लूडिंग उनको और भी कुछ ऐप में कस्टमाइजेशन चाहिए तो कंप्लीट एक ही ऐप में वो कर सकते हैं। और उनका वर्क भी अगर कुछ ऑफिशियल वर्क है तो इस ऐप में कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। फ़िलहाल मैं बायोमेट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं अभी तक 2-3 महीने समय लगा करके जो मैंने डेवलप किया है वो बायोमेट्रिक्स एप्लीकेशन डेवलप किया। जो ये एप्लीकेशन है वो हमारा लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन है और इसमें हमने एडिशनल फैसिलिटी भी डाला है। QR कोड स्कैन करके भी आप बना सकते हैं और लोकेशन बेस्ड तो है ही है। आप इसमें और भी फैसिलिटी चाहिए, मतलब अगर आप सेल्फी फैसिलिटी चाहते हैं कि सेल्फी लेने के बाद वो अपना फ़ोटो क्लिक करे, उसके बाद ही उनका अटेंडेंस लगे, तो वो मैंने इनबिल्ट किया नहीं है। उन अगर ये चीज़ इनको चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो वो भी आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। तो सिंपल सा है कि ये एप्लीकेशन में काफ़ी सारा फैसिलिटी दिया है, काफ़ी और इसका वर्जन में भी अलग अलग फैसिलिटी है, तो आपको जो अच्छा लगता है वो भी कर सकते हैं। आपके पास पर्सनल कुछ रिक्वायरमेंट है तो भी कर सकते हैं। तो अभी चलिए समय बिना लिए हम लोग ऐप का डेमो देखते हैं। ऐप का डेमो अच्छा लगेगा तो एटलीस्ट मैंने 2-3 महीने समय लेकर के ऐप सीट के ऊपर मैंने बायोमेट्रिक्स बनाया है। तो प्लीज़ चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कमेंट्स करना है या क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो अभी हम लोग ना डेमो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा डेस्कटॉप व्यू में भी काम करता है, मोबाइल पे भी काम करता है, मतलब सारे डिवाइस सपोर्टेबल है क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है। और इसका स्टोरेज भी आपका क्लाउड मतलब गूगल का ही सारा प्रोडक्ट है, तो गूगल पे अब सारे पब्लिक को भी ट्रस्ट है, तो नो इशू, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ऐप में। कुछ भी होता है तो हम इंस्टेंटली हेल्प करते हैं। तो अभी पहला ना इसका हम लोग डेमो देखते हैं। एक्चुअली आज के टाइम पे मैंने अटेंडेंस बनाया है, ये ऑलरेडी मेरे ऑफिस में चल रहा है एप्लीकेशन, तो मैंने खुद का अटेंडेंस मैंने बनाया था। और मैंने 30 मिनट पहले मतलब अपने ऑफिस आवर से मेरा जो टाइमिंग होता है तो उससे मैंने आधे घंटे पहले ही आया था ऑफिस में, मैंने बनाया, इसलिए मुझे ये मैसेज मिला। और मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ कि ये कैसा अटेंडेंस वर्क करता है। तो आप मेक एन अटेंडेंस में जाएंगे ना, अगर आप सिस्टम पे बना रहे हैं एज ए स्टाफ तो आपको चेकिंग का ऑप्शन मिलेगा। और चेक इन करेंगे, इधर आपको लोकेशन मिल जाएगा आप किस लोकेशन पे हैं, वो लोकेशन आपका ऑफिस लोकेशन से कितना दूरी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको अभी मैं ऑफिस में ही बैठ करके बना रहा हूँ इसलिए मुझे 0-0-0 ऐसा आ रहा है। अगर आप ऑफिस रेडिएशन से दूर रहते हैं, आपने जो ऑफिस का रेडिएशन डालेंगे मैनुअली, आपको डायनेमिक डालने का ऑप्शन मिलेगा, वन टाइम आपको ऑफिस सेटअप करने को मिलेगा, एम्प्लॉय सेटअप करने को मिलेगा, एम्प्लॉय का पर डे के हिसाब से आप टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, रेडिएशन सेट कर सकते हैं। और एम्प्लॉई सॉरी एडमिन है वो मतलब कहीं से भी एनी वेयर कहीं से भी अटेंडेंस पंच कर सकते हैं किसी का, या चेकआउट कर सकते हैं, या फिर वो खुद का भी कर सकते हैं। तो ये एडमिन का भी फैसिलिटी है, स्टाफ का अलग फैसिलिटी है, लीव फैसिलिटी है, और फिर इसमें आपको एम्प्लॉई साइन अप करने का फैसिलिटी है, उनका प्रोफाइल अपडेट करने का फैसिलिटी। तो एक एक करके सारे टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला भी हम लोग पंच करते हैं। तो अभी जैसे ही हमने पंच मतलब चेकिंग पे क्लिक किया ना, तो हमें हमारा नाम आ गया और ये हमारा लोकेशन आ गया कि हमने ऑफिस से कितनी दूरी पे हैं, कितने मीटर की दूरी पे हैं। तो एकदम हम ऑफिस में, इसलिए 0 है और ये हमारा लोकेशन है। आप चेक करेंगे तो इसको सेटेलाइट में भी कर सकते हैं, इसको जो कीजिए, मेरा ये ऑफिस है, मैं यहीं पर बैठा हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं शेव करता हूँ। और अभी मेरा ऑफिस लेट हो गया होगा क्योंकि मेरा सुबह 8:30 का ऑफिस होता है। मैं अभी अभी मैं वीडियो के चक्कर में मैं अभी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो अभी मैं 14 घंटा 52 मिनट 7 सेकेंड में लेट हूँ। तो अभी सोचिए कितना डिफरेंस है ना। अगर कुछ एम्प्लॉय को मतलब आपको बार बार कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा, अगर आप एज ए एडमिन बार बार एक एक एम्प्लॉय को बार बार इंस्ट्रक्शन करेंगे ना, एक एक 2 मिनट एक एक सेकेंड के लिए, तो उनको कैसा गुस्सा आएगा। पर अगर एप्लीकेशन यही सिस्टम अगर उसको 1 सेकेंड के लिए भी उनका बैड फीडबैक देता है, जैसे यहाँ पे मेरा बैड फीडबैक आया है, तो 1 सेकेंड के लिए भी अगर बैड फीडबैक आता है ना, तो वो सोचेंगे अगले दिन से मैं ग्रीन जोन में हूँ, मैं 1 सेकेंड के लिए मैंने लेट हो गया ऐसा। तो एप्लीकेशन में आप ग्रेस टाइम भी दे सकते हैं कि आपने 8:30 का अगर किसी बंदे को टाइमिंग दिया है तो 10 मिनट लेट आते, तो 10 मिनट आप ग्रेस पीरियड भी दे सकते हैं।
आप एक बार वन टाइम सेट करेंगे तो ग्रेस पीरियड पे 10 मिनट के बाद भी अगर कोई लेट आता है तो फिर आपका रेड जोन में चला जाएगा। तो रेड जोन में अभी हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ग्रीन जोन में आता है तो क्या मैसेज है, यू आर इतना इतना मिनट लेट और एंड आप ग्रेट हो ऐसा, तो ये शाबाशी भी दिया। और आप जैसे लेट होते हो ना तो आपको ये भी देना, मतलब हेट भी करता है, यू आर लेट इतना इतना आवर्स एंड आपका नाम लिखता है, ये दिस इज़ नॉट गुड, आप अगले दिन से ग्रीन जोन में आना चाहेंगे ऐसा। तो जैसे आप पंच करेंगे, ये आपका एक दिन का होता है, आप पंच करेंगे तो पंच करेंगे ना तो फिर इधर आपको पंच आउट का बटन मिलता है। मैंने आज के डेट में पंच इन पंच आउट कर चुका है ये ग्रीन जोन वाले में, इसीलिए हमारे पास वो बटन गायब हो गया क्योंकि मैं यस ऑफिस में प्रेजेंट हो चुका हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के वजह से मैं वापस से पंच इन किया हूँ तो मुझे वापस से चेकआउट का बटन मिल रहा है। तो जब तक आप चेकआउट नहीं करेंगे तो आपको ऑन वर्किंग लिखेगा और आप तब तक रेड जोन, सॉरी मैं रेड जोन में हूँ इसलिए मुझे रेड जोन दिखा रहा है। चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर चेकआउट होगा तो इधर परसेंट आएगा। अगर आप ऑफिस में चेक इन किए, थोड़े देर में काम किए, फिर आप बाहर चले गए तो आप चेकआउट करके जा सकते हैं, वापस आएंगे आपको चेक इन करना पड़ेगा। और वो दोनों आप जितने बार भी चेक इन चेकआउट करेंगे तो पूरा पर डे का, एक दिन का आपको आपने कितना देर काम किया ना वो आपको कैलकुलेट होकर के मिलता है। तो आप इसका डिटेल्स में भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारे डिटेल्स में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और देन आपको यहाँ पे आप चेक करेंगे ना तो हमारा जो ऑफिशियल टाइमिंग है, मतलब तो आने का जो टाइमिंग है वो 8:30 और जाने का भी टाइम शायद इसने दिखाया नहीं है, पर ये हम लोग डाल सकते हैं, अभी जाने का रिक्वायरमेंट उतना होता नहीं इसलिए हमने डाला नहीं, पर डाल सकते हैं, नो इशू नो प्रॉब्लम। और आप रोज़ का अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि आप किस दिन कितने बार अटेंडेंस बनाए, और अगर एक दिन में 2-3 बार बनाए तो आपका टोटल आवर कितना हुआ, तो आपको यहाँ पर दिखाता है टोटल आवर, मतलब एक टाइम आपने जो लिया उसका 2 मिनट 32 सेकेंड किया था, और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो आपने सुबह लॉग इन किया था उसमें 11 घंटे 7 मिनट आपने काम किया था। ओके, इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसका फुल वर्किंग आवर भी आपको दिखाता है, जो एडमिन को शो होगा, एज ए स्टाफ को शो नहीं होता है। आप चाहे तो आपकी जैसी इच्छा आप ऐप को कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। ये हमारा रोज़ का अटेंडेंस है और मैं इस पर लाइव कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में दिखाने के वास्ते इतना सारा तो अटेंडेंस बना नहीं सकता हूँ, ऑटोमेटिक डेट लेता है टुडे का डेट। तो मैं आपको दिखाऊँ मेरा जो स्टार्टिंग है ना वो 5 से 13 5 से स्टार्ट हुआ है और ये अभी तक चल रहा है। तो ये आपका अटेंडेंस बेस्ड है, अगर किसी का डिवाइस लोकेशन बेस्ड प्रॉपर नहीं वर्क करता है, अगर साधारण सा सिंपल फ़ोन है लेकिन कैमरा वाला फ़ोन है जिसमें एटलीस्ट क्यू आर कोड सपोर्ट करता है या फिर कैमरा सपोर्ट करता है, तो उनके लिए हमारे पास क्यू आर कोड का भी फैसिलिटी है, वो क्यू आर कोड से भी अटेंडेंस बना सकते हैं। तो वो अपना क्यू आर कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लस का साइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनको क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन मिलता है। ये सिस्टम में इसलिए यहाँ पे बार कोड स्कैन करने का जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको मोबाइल डिवाइस में और ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो मैं आपको इसका मोबाइल डिवाइस में कैसा दिखता है ना वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ये इसका मोबाइल डिवाइस हो गया, फर्स्ट टाइम आपको लेकिन लॉग इन करना पड़ता है, इसमें एडवांस लॉग इन पैनल हमने बनाया है तो आप एडवांस लॉग इन पैनल के साथ लॉग इन हो सकते हैं। अगर आप डीएक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पे एक्टिवेट होना जरूरी है, अगर डीएक्टिवेट रहता है आपकी एडमिन है ना, अगर एचआर या एडमिन हो डीएक्टिवेट करते तो आप लॉगिन भी नहीं कर सकते, यहाँ पे एरर देता है कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर या फिर ऐप बिल्डर के पास आप कॉन्टैक्ट करो क्योंकि आप लॉगिन नहीं कर सकते। हो सकता है आप या तो एम्प्लॉय नहीं हो या फिर आप डीएक्टिवेट हो, तो आप एडमिन से कॉन्टैक्ट करो तभी लॉगिन कर सकते, तो यहाँ पर भी एरर आता है। और ये हमारा एडवांस लॉगिन पैनल है, इसमें आप लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन करने के बाद सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं, फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन पेज ही आपको करना पड़ता है। तो लॉगिन करने से पहले आपको एडमिन से ना साइनअप करवाना पड़ेगा। और ये हमारा मोबाइल व्यू में कुछ इस टाइप का दिखता है, जब भी आप चेक इन करेंगे तो आपको बटन यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पे नाम और ये दिखता है, ये नाम जो लेता है ना आप लॉगिन करते वहाँ से ही ले लेता है। अगर आप लॉग आउट हो गया, यहाँ नाम नहीं आ रहा तो समझ जाइए आप लॉग आउट है, तो यहाँ से आप ना लॉगिन कर सकते हो वापस से, और यहाँ पर आपका रेड हो जाएगा, अगर रेड है समझ जाइए आप अभी तक लॉगिन है, अगर रेड नहीं है ग्रीन है लॉगिन लिख रहा है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, जैसे आप लॉगिन होते हैं ना तो आपको ये आपका टुडे का, मतलब जैसे आज का डेट जैसे 12 बजे का ना, ये पूरा हट जाएगा, कल पूरा ब्लैंक मिलेगा और एकदम ब्लैंक मिलेगा, फिर आप यहाँ से आप कर सकते हैं चेक इन कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो आपको इस तरह का मिल जाएगा। और नेक्स्ट आप जितने दिन का बनाते हैं मोबाइल में वो हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिख जाता है। अब मोबाइल व्यू में ही आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा पेंडिंग चेकआउट है, कभी अगर आपने चेक इन किया पर चेकआउट नहीं किया तो आपने कितना दिन चेकआउट नहीं किया, वो आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री यहाँ पे बनता है। यहाँ पे आप अगर ओटी करते हैं तो ओटी आप ऐड डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपना नाम जैसे से लेकर अपना ड्यूटी, आपका जो ड्यूटी आवर है, अगर 8:30 का ड्यूटी आवर है और आपका ऑफिस 6 बजे या 5 बजे सुबह में ही खुलता है, तो आप ओटी अगर कोई स्टाफ के बदले में जिनका 5 बजे का शिफ्ट होता है वो उन्होंने नहीं आया, आप उनके बदले में काम कर रहे हो, तो आप उस समय अगर आप अटेंडेंस बनाते हो
तो आपका टाइमिंग मतलब आपने जब से आया और आपकी जो ड्यूटी आवर होती है, तो यानी आपने ड्यूटी आने से, आपकी ड्यूटी से पहले आपने ओटी किया, तो आप बिफोर ड्यूटी बिफोर करेंगे ना, तो वो आपको टाइमिंग मिल जाएगा कि आपने इतना देर तक ओटी किया है। तो जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा 30 मिनट्स के बाद ही ओटी एप्लीकेबल है। अगर इससे कम रहेगा तो ओटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको एरर मैसेज मिल जाएगा। अभी हम सेव करेंगे तो ओटी हमारा सेव हो जाएगा। ओके, और अगर आप ड्यूटी आवर के बाद करते हैं तो ड्यूटी आवर के बाद भी हमने कितना देर काम किया है, 1 घंटा 36 मिनट हमने काम किया है, तो ये भी आप जोड़ सकते हैं। ओके, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आप चेक करेंगे तो हमारा ओटी भी बन जाएगा, ओके, 1 दिन का ओटी। और ये ऑटोमेटिक होता है, मतलब कोई भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मैनुअली नहीं कर सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटर है, जो थोड़ा सा मैनुअली उनको ऑप्शन हमने दिया है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर है, कुछ अगर स्टाफ से मिस्टेक होता है तो सुधारने की वजह से उनको हमने दिया। यहाँ से स्टाफ अपना है ना, वो अपना फ़ोटोज़ प्रोफाइल्स वगैरह अपडेट भी कर सकते हैं, वो अपना सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि उनका कौन कौन सा टाइमिंग कब कब है, कौन कौन सा डेट का टाइमिंग है। यहाँ संडे मंडे का ये पूरा आपका डे रहेगा, और आपका इन टाइम क्या है, आउट टाइम क्या है। हर एक दिन में आप अलग अलग टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि एक जो संडे का है, सॉरी मंडे का है, वही आप सैटरडे तक टाइमिंग रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर एक दिन का भी एक स्टाफ का टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, रोज बेसिस पे भी कर सकते हैं, या वन टाइम में पूरा 6 दिन का टाइमिंग अगर आप चेंज करके रखें तो भी कर सकते हैं। उनकी ड्यूटी आवर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग ही आप जब टाइमिंग बनाते तो वहाँ पे कितना मिनट लेट है वो इसके अकॉर्डिंग उठाता है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूँ कि आपका यहाँ ग्राफ बन रहा है, आपने कितनी दिन तक अटेंडेंस बनाया। तो मैंने अभी तक 148 दिन तक मैंने अटेंडेंस किया, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से आप अटेंडेंस का फैसिलिटी, जो QR कोड जिनका डिवाइस नहीं काम करता, QR कोड से तो रिलेटेड में आपका जितने भी है वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। आपने अगर कोई लीव लिया है तो यहाँ पे दिखेंगे, मैंने एक लीव अप्लाई किया था और हमारा अप्रूव हुआ था, तो ये हमारा लीव अप्रूव हुआ है और ये एडमिन अप्रूव करते हैं। ओके, तो ये लीव मैनेजमेंट हो गया। लीव मैनेजमेंट में एज ए एडमिन है वो, इनको दिखता है पेंडिंग, फुल डे लीव और टैब में मैं चेक करता हूँ इसमें कितना होगा, 1 सेकेंड। हाँ, फुल डे लीव, अपकमिंग लीव, पेंडिंग लीव, सम आवर्स। कोई कुछ लोग हैं जो थोड़े टाइम के लिए बाहर जाते, तो वो थोड़े टाइम के लिए लीव डाल सकते हैं, हाफ डे, फुल डे, ये सारे लीव आप डाल सकते हैं। ओके, अब मैं इसको डेस्कटॉप व्यू पे लेके चलता हूँ। डेस्कटॉप व्यू पे मैं चेक करता हूँ क्या इसमें। डेस्कटॉप व्यू में आपको सबसे अच्छा जो मिलने वाला है फैसिलिटी, वो आपको मिल जाएगा लीव का। इसमें बड़ा मतलब अच्छा देखने को चलेगा, हाँ, क्योंकि बड़ा बड़ा दिखता है काफ़ी ज़्यादा। जो अप्रूव हो जाता है उसमें डबल टिक लगेगा। ओके, यहाँ पे हाफ डे का लिस्ट है, कमिंग का आने वाले में 2 दिन, ये लोग हैं जो आने वाले दिन में छुट्टी लेने वाले हैं, उनका छुट्टी रिक्वेस्ट होगा। आप कोई अपना आइडेंटिटी प्रूफ बनाते हैं तो अपना आप आईडी प्रूफ भी बना सकते हो, इस पर आप अपलोड करते हो रखेंगे इस टाइप का, तो आप आईडी कार्ड भी प्रूफ करके आप इम्प्लॉय को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा ये QR कोड से जो बनाते हैं उनका यहाँ पे हिस्ट्री दिखता है। तो हमारे डिवाइस में ज़्यादातर मोबाइल लोकेशन काम करता है, इससे लोकेशन बेस्ड ये है। QR कोड से जितने लोग बनाएंगे उसका हिस्ट्री यहाँ पे दिखेगा। लीव कैलेंडर, आपको अगर लीव डालना है तो लीव कैलेंडर में जाएंगे, प्लस के बटन पे साइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपका एम्प्लॉय जो एज एडमिन है वो दे सकते हैं, या फिर वो खुद का अप्लाई करेंगे तो उनको भी अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन मैं एडमिन हूँ इसलिए वो मेन्यू हाइड दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके सारे स्टाफ मिल जाएंगे, इनको जितने दिन का लीव अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, और यहाँ पे रीजन डालेंगे, यहाँ पे लीव काउंट हो जाएगा। जैसे मैंने कमी का डाला तो मेरा लीव काउंट हो जाएगा 12। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, आप लीव अप्लाई करेंगे तो लीव अप्लाई हो जाएगा। हम अप्रूव होने के बाद आप कैंसिल कर सकते हैं या फिर छुट्टी ले सकते हैं। ओके, ये हमारा है अटेंडेंस मॉनिटर जो एज एडमिन को मिलता है। तो इसमें 2 डे का मतलब 2 डे, एक दिन में जितने भी सारे स्टाफ आपका अटेंडेंस बनाते हैं उसका लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट डिटेल्स आपको दिखता है। यहाँ पे आपको परसेंटेज वगैरह सब मिल जाता है, वर्किंग आवर का परसेंटेज, कितना मिनट लेट आया गया, कौन से महीने का है, कौन सा ईयर का है, वो सब रिमार्क वगैरह भी डालने को मिल जाता है। रिमार्क आपको यहाँ पे भी रिमार्क डालने को मिलता है, यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो आप अपना रिमार्क डाल सकते हैं। सॉरी आई एम लेट, रीजन भी डाल सकते हैं। और एम्प्लॉई हेल्प है, अगर बाई चांस कभी उन्होंने आपका एप्लीकेशन में लोकेशन, कभी कभी होता क्या है कि डिवाइस में लोकेशन वर्क नहीं कर रहा, या फिर कभी कभी डिवाइस और मोबाइल डेटा में मतलब वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों चालू हो तो उस समय नेट प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो आपका लोकेशन नॉट फाउंड का आएगा कि आप ऑफिस, आउट ऑफ ऑफिस है,
आप ऑफिस में हैं पर आउट ऑफ ऑफिस दिखाएगा, क्योंकि वैसे कंडीशन में इंटरनेट नहीं वर्क करेगा, लोकेशन ऑन नहीं है, लोकेशन परमिशन नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम, आपको 2-3 दिन प्रॉब्लम होगा, फिर सब आप सीख जाएंगे तो प्रॉपर सारा का सारा वर्क करेगा। तो अगर इस तरह का कुछ भी एरर आता है तो हेल्प में आपको इस पर आपको इशू मिल जाते हैं कि क्या है, लोकेशन एरर है, लॉगिन इशू, पासवर्ड प्रॉब्लम है, क्या आता टेक्निकल इशू, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं, स्क्रीन शॉट डाल सकते हैं। अगर सारा वर्क कर ले, आपने ही भूल गया अटेंडेंस बनाना, तो आपको इधर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आई फॉरगेट में कैन अटेंडेंस वगैरह सब, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप भूल गए तो इधर टाइम कब से कब आए गए तो आप लाइक कीजिए, देन अप्रूव होने के बाद आपको इधर ग्रीन टिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे अप्रूव जिनका जिनका हो गया उनका ग्रीन टिक मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप मंथली रिपोर्टिंग कर सकते हैं आप, प्लस अभी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जिनको जिनको मिलता है वो ये किंग ग्रीन कलर में है। ओके, जिनका एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो आप कंडीशन वेज भी कर सकते हैं या फिर आप एनालिटिक्स करके आप किन्हीं को एक को भी आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना सकते हैं। यहाँ से आप जैसे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये पिछले मंथ का जिस दिन आप यहाँ पे आपने रिपोर्टिंग करना है आपको, तो उसका पिछले मंथ का या पिछले मंथ का डेटा लेता है। यहाँ पे मैंने अपना डाला कि इस मंथ में ना मैंने 2-5 दिन के ऊपर मैंने रखा है, तो अभी 5 दिन हो गया, तो पिछले मंथ का नहीं लिया, इस मंथ का लिया, अगस्त का ही लिया। तो अगस्त में मैंने 6 दिन अटेंडेंस मैंने बनाया, 6 दिन हमारा ऑफिस ओपन हुआ था, और जिसमें से 1 दिन ना हम लेट बनाया, तो मुझे यहाँ पे दिखता है सब चीज़ों और आप इसको रिपोर्टिंग में भी डाल सकते हैं। ओके, तो ये जो लेट दिख रहा है ना एक्चुअली अभी जो हमने लेट किया था वही अटेंडेंस से लेट हुआ। आप यहाँ से इम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बना सकते हैं पूरा मंथ का यहाँ पे, और एक चीज़ फिल्टर करके देख भी सकते हैं कि कौन हर मंथ में कितना लेट आता है, तो यहाँ इस रिपोर्टिंग में देख सकते हैं। अगर आप इसका PDF भी आप डाउनलोड करके PDF क्रिएट करेंगे तो PDF क्रिएट करके यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं हमारा पिछले मंथ का PDF। आप अपने अकॉर्डिंग भी एनालिटिक्स आप करके और उसे भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको देखना हो तो इस व्यू में भी आपको दिख जाएगा एनालिटिक्स पार्ट में। ये 5 है, 5 अर्लियर चेकिंग का है, तो ये लोग ज़्यादा लेट आते हैं वो है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इन्होंने बनाया है जो लेट आते हो ऐसा, तो आप ऐसा भी आप मतलब PDF क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैनुअली एनालिटिक्स ही करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि नई सिस्टम के जरिए आपको एनालिटिक्स मिले, तो आप गो टू लाइव एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको लाइव आपको मिल जाएगा। तो हमने ये इसका रिपोर्ट का एक्सेस नहीं दिया इसलिए आपको नहीं दिख रहा, तो मैं इसको भी अगली वीडियो में दिखाऊँगा। तो स्टाफ टाइमिंग में आप हर एक स्टाफ का टाइमिंग सेट कर सकते हैं 6 दिन का अलग अलग, तो प्लस पे जाएंगे, यहाँ पे स्टाफ को सेलेक्ट करेंगे और उसका कौन सा दिन का ले रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे, उसका टाइमिंग सेट करेंगे, तो वही उस दिन पार्टिकुलर उस दिन जब वो अटेंडेंस बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो कितना लेट आते हैं वो वहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। लोकेशन फर्स्ट टाइम आपको ऑफिस सेट करना पड़ेगा, तो ऑफिस सेट करने के लिए आपको मल्टीपल ऑफिस, अगर आपके ब्रांचेस है तो आप ब्रांचेस 2-3 ब्रांच है तो आप 2-3 ब्रांच भी इसमें सेटअप कर सकते हैं। प्लस पे जाएंगे, एक नया ऑफिस आप सेट कर सकते हैं। नया ऑफिस सेट करने में आपको मिलता है ऑफिस नेम डालने को और ऑफिस ओपनिंग टाइम, मतलब ऑफिस का क्या खोलने का समय है और कब बंद होने का समय है, ये फुल टाइम का ऑफिस चल रहा है या फिर हाफ टाइम का। यहाँ पे ऑफिस का ड्यूरेशन, कितने घंटे आपका ऑफिस ओपन होता है, ऑफिस का रेडिएशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप ऑफिस रेडिएशन अगर आप देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका अटेंडेंस नहीं मिलेगा, तो इसको 0 रखिए या फिर ग्रेटर दैन 0.07 है, एटलीस्ट 0.07 रखेंगे ना तो आपका ऑफिस रेंज कवर हो जाता है। ये एटलीस्ट 50-100 मीटर का पूरा रेडियस को लेता है इतना में, 0.07 इक्वल टू आई थिंक 70 मीटर राउंड में पूरा रेडियस लेता है, तो इसके राउंड में जितने रहेंगे इस लोकेशन में उन लोग अटेंडेंस पंच कर सकते हैं। क्लिक ऑन मैप आइकन, यहाँ से आप अपना ऑफिस का लैट लॉन्ग सेट करेंगे, तो पेरेंट आप ऑफिस में बैठ के ये सेट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप दूसरे ऑफिस का सेट करना चाहते हैं तो फिर आप गूगल पे जा कर के गूगल पे सर्च करेंगे अपना ऑफिस का लोकेशन, वहाँ से राइट क्लिक करके वहाँ का लैट लॉन्ग लेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगा। तो आइकन पे क्लिक करेंगे इजी टू यूज होगा, फटाफट आपका लोकेशन सेट हो जाएगा। यहाँ पे अपना ऑफिस का एड्रेस डालना है, ईमेल डालना है और यहाँ पे आपका ऑफिस का बार कोड जनरेट हो जाता है। ओके, तो यही बार कोड आप प्रिंट करके ना ऑफिस में लगा सकते हैं और इसके थ्रू आप अटेंडेंस भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी अटेंडेंस का QR कोड बनाना चाहते हैं जो लिख करके आप डालेंगे तो उसका यहाँ पे बार कोड बन जाएगा और यही प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू वहाँ पे लेना चाहिए। तो आप मैनुअली बार कोड भी या स्टैंडर्ड बार कोड भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका बार कोड रेडी हो जाता है। ये हुआ हमारा ऑफिस सेटअप।
ऑफिस सेटअप हो गया, इसमें आपको फैसिलिटी मिल जाए, एडिट भी कर सकते हैं, ऑफिस को डिलीट भी कर सकते हैं, सिर्फ ये एडमिन पर्पस के लिए, एडमिन ही कर सकते हैं मैटर। और उसके बाद आपको यहाँ पे मैप पे जाना है, एड्रेस पे जाना है तो भी जा सकते हैं, एड्रेस पे जाना चाहेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप फोर व्हीलर सेलेक्ट कीजिए और डायरेक्टली अपना ऑफिस भी पहुँच सकते हैं। ओके, यहाँ का ऑफिस पहुँचने का रेंज होगी, यहाँ से आप ऑफिस जा सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें अभी ये आपका बेसिक है और इसमें काफ़ी सारा जो भी कस्टमाइजेशन चाहिए आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसके अंदर सैलरी ऐड करवाना चाहते हैं, इसके अंदर टास्क ऐड करवाना चाहते हैं, इसके अंदर टाइम वाला टास्क कि डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, टू डू टास्क, ये सारे पॉसिबिलिटी हैं। और मैं इसका छोटा छोटा डेमो और भी दिखा देता हूँ ऐप के ऊपर, इसमें मैं अगर आपको दिखाऊँ तो एज एडमिन में लॉग इन करता हूँ। पहला ये साइन अप करने के लिए ना, आप नया एम्प्लॉय को ऐड करेंगे तो सॉरी मैंने भूल गया था ये साइन अप बटन बताने को। तो फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो आप यहाँ से साइन इन करेंगे, यहाँ पे आईडी क्रिएट हो जाएगा, पासवर्ड, एम्प्लॉय नेम, नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है, फोटो भी डालना है। फोटो डालेंगे यहाँ पे एक्टिवेट, नॉर्मल पहले कुछ भी नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे आपको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन मिलता है, तो पहले आप एक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, तभी ये लॉग इन होगा, ये डीएक्टिवेट का मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, ये हमारा एक्टिवेट हो गया। ओके, अभी हमारा सारा फैसिलिटी मिलेगा जो एक फर्स्ट आपको फैसिलिटी मिल पाता है। ठीक, अभी मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ इसमें, सर ये तो मैं टास्क वाला दिखाता हूँ आपको, ये जहाँ मेरा टास्क था, और इससे भी एडवांस फीचर अलग अलग भी है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी जो आपने देखा है वो हमारा 2.0 का था, फिर ये हमारा 2.1 का है, 2.2 का ये हमारा मैप का है। ओके, सब में अलग अलग फैसिलिटी, और ये ऑलरेडी कुछ लोगों ने परचेज कर चुका है ये एप्लीकेशन। ओके, तो आपको भी अगर ये एप्लीकेशन लेना है तो आप मुझे बात करें, मैं आपको वीडियो में लिंक नंबर भी दे दूँगा, मेरा वेबसाइट का भी रहेगा और ईमेल भी, तो बेहतर आप व्हाट्सएप मुझे करेंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। और इसमें हमारे पास ना काफ़ी सारे फैसिलिटी हैं, इसमें मैं लॉगिन करता हूँ, ये हमारा टास्क फैसिलिटी है, इसमें एडमिन है ना एक दूसरे को टास्क दे सकते हैं, और स्टाफ भी एक दूसरे को टास्क दे सकते हैं। मंथली में आप एक बार जो टास्क का टेम्पलेट है जो डेली बेसिस पे काम होता है, या फिर आपका एक ऐसा टास्क जो काफ़ी सारा ऑफिशियल टास्क है जो आप वन टाइम सेट करेंगे, वन टाइम आप यहाँ पे सेट करके छोड़ दीजिए, आपको जब चाहिए वो टास्क जिनके नाम से साइन करेंगे ना उनको एक बटन यहाँ पे मिल जाता है क्लिक करने पे, यहाँ पे वन क्लिक करेंगे उनको टास्क असाइन हो जाता है और वो ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। बल्क में टास्क असाइन करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, वो अपना टास्क पूरा करेंगे। स्टार्ट के लिए एक वर्क टास्क है, इसमें भी कोई भी कंटेंट है नहीं इसलिए सारा ब्लैंक दिख रहा है, और मैं अपना से लॉगिन करूँ तो मेरे नंबर पे का कोई टास्क है नहीं, तो इसमें मतलब टास्क का फैसिलिटी है, नो इशू, आप इसको बहुत अच्छे से अपना टास्क भी असाइन करवा सकते हैं और एडवांस फैसिलिटी। एक मैं और आपको दिखाऊँ तो ये जो हमारा है ना, इसमें अगर आप अटेंडेंस बनाते हैं ना, इसमें क्या है कि आप अगर लेट आते हैं तो आपको इधर ही रिमार्क डालने का ऑप्शन मिलता है, आप लेट क्यों हैं, आप अगर ज़्यादा लेट हैं तो आप जब तक रिमार्क नहीं डालेंगे ना तब तक ये डेटा सेव करने का ऑप्शन ही नहीं देगा। और इसमें भी आपको कम से कम 25 कैरेक्टर का डालना है, तो आप कैरेक्टर भी फिक्स कर सकते हैं कि आप कितने, आप मतलब एज ए एडमिन है तो आप कितने कैरेक्टर का उनसे ले सकते हैं रीजन, तो आप रीजन भी सेट करवा सकते हैं, आप इसे डायनेमिक भी करवा सकते हैं या फिर फिक्स भी करवा सकते हैं। तो मैंने 25 कैरेक्टर का अगर लिखता हूँ उसके बाद ही मुझे अलाउ करता है अटेंडेंस बनाने। ओके, और ये इसमें जो फैसिलिटी है वो एक व्यक्ति वन टाइम वन एक दिन में बना सकते हैं अटेंडेंस, इनको ऑलरेडी अटेंडेंस लग चुका है तो इसीलिए ऐसा बता रहे। अभी हमारे ऑफिस से भी बाहर है, हमारा 23 किलोमीटर दूर है हमारा ऑफिस, तो इसलिए हम नहीं लगा सकते हैं एज ए स्टाफ, हम नहीं लगा सकते अटेंडेंस, इसलिए सारा का सारा एरर आपको यहाँ पे दिख गया कि आप आउट ऑफ ऑफिस हैं। ओके, और आपका नाम लिखेगा, आप ऑफिस में जाएँ और अपना अटेंडेंस पंच करें, और आपका एक बार अटेंडेंस लग चुका है तो आप ये फैसिलिटी डलवा सकते हैं, नहीं भी डलवा सकते हैं, वन टाइम में वन बार ही एक बार ही पंच होगा, पंचिंग पंच, और एक दिन में दो बार आप अटेंडेंस बना सकते हैं, ऑफिस लोकेशन में रह के बना सकते हैं। अगर लेट होते हैं तो आपको इतना सारा रीजन डालना पड़ेगा तभी आप पंच कर सकते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी आप डलवा सकते हैं, काफ़ी सारा रिस्ट्रिक्शन डलवा सकते हैं ताकि आप ऑफिस पे फोकस करें, एम्प्लॉय अपना काम खुद करें, तो आप डायरेक्टली सिस्टम के जरिए काफ़ी सारा मैनेजमेंट करवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनका परफॉर्मेंस भी निकाल सकते हैं,
और उंनका भी टास्क है, मंथली टास्क है या फिर कोई फिक्स डेट का टास्क है कि आपने वन डे ये डेट पे, आपको जब भी डेट आता है तो आपको टास्क बनाना ही बनाना है, तो वो भी आप इसमें पॉसिबल है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मंथली टास्क है, पर डे टास्क है, टू डू टास्क है। टू डू में स्टाफ एक दूसरे स्टाफ को भी टास्क दे सकते हैं, स्टाफ एडमिन से भी टास्क रिक्वेस्ट कर सकते हैं, टास्क रीचेक करवा सकते हैं, वो जो उन्होंने टास्क बनाया वो बनाया है या नहीं बनाया वो भी रीचेक कर सकते हैं। तो का ये एप्लीकेशन से ना काफ़ी बेनिफिट होगा और ऑफिस को आप ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, और इतना अच्छा कस्टमाइजेशन आपको कोई भी एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा, ना ही बायोमेट्रिक्स मशीन खरीदने के बाद इतना एक्यूरेसी ले पाएंगे, ना ही आप अलग एप्लीकेशन भी, अगर आप लॉट बेस्ड भी एप्लीकेशन लेते हैं तो आपको इतना सिक्योर फैसिलिटी नहीं मिल पाएगा। और इसमें आप अपना वर्क भी ऐड भी कर सकते हैं, तो सबसे प्लस पॉइंट आपको ये है। ओके, तो आई थिंक सो गाइस, सो मच गाइस कि आपने ये वीडियोस पूरा देखा। आई होप गाइस ये वीडियोस आपको पसंद आया, पसंद आया तो आप चैनल को, मैं आपसे नम्र रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा सब्सक्राइबर भी नियर बाय 100 सॉरी 1K के आसपास हो चुका है, मेरा ड्यूरेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हमारा चैनल भी अभी मोनेटाइज हुआ नहीं, तो आपसे नम रिक्वेस्ट होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को चालू कीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियोज़ लाऊँ तो आपको मिल सके। और आपको जो भी मतलब ऑफिस हैंडल करने में कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा कुछ ऐसा एप्लीकेशन जो शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, मैनुअली में आपको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको कस्टमाइज ये इसके ऊपर सॉफ्टवेयर क्रिएट करके भी दे सकता हूँ, अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो मैं उसमें हेल्प भी कर सकता हूँ। तो आई थिंक सो मच गाइस, बाय, गुड नाइट।